गाइस यहां पे हम बात करने वाले हैं तमिल सलाइवर और बेंगलुरु बुल्स के बीच खेले जाने वाले आज के मैच का प्रीव्यू और स्टार्टिंग सेवन क्या रहने वाली है इन मैच के बीच और मेरे क्या ओपिनियन है कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। सो गाइस इस वीडियो को शुरू से देखते रहिए, गाइस लाइक एंड शेयर करना, इस वीडियो को मत भूलना अगर आप असली कबड्डी फैन, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही मैच प्रीव्यूज और मैच हाईलाइट्स हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस एक बार चैनल जरूर विजिट करना। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिल सलाइवर्स की क्या स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है इस मैच में। सो गाइस सबसे पहले अगर हम सेंटर पोजीशन की बात करें तो सेंटर पोजीशन में सुकेश हेगड़े जो कि रेडर हैं वो हमें खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें राइट कवर की, राइट कवर पे हमें दर्शन जे खेलते हुए मिलेंगे और उसी के साथ सी अरुण हमें खेलते हुए मिलेंगे लेफ्ट कवर पे। इसी के साथ अजय ठाकुर हमें राइट इन पे खेलते हुए मिलेंगे, जसवीर सिंह हमें लेफ्ट इन पे खेलते हुए मिलेंगे, अमित हुड्डा हमें राइट कवर कॉर्नर पे खेलते हुए दिखेंगे और मंजीत चिलर हमें लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हुए दिखेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग सेवन के बारे में तो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही बड़े प्लेयर की दोबारा एंट्री हो चुकी है जो कि हमें नहीं लग रहा था कि इस मैच में खेलेंगे, बट गाइस इंजरी के बाद उन्होंने दोबारा रिकवर करा है, उस मैच में वो भी खेलने वाले हैं। उनका नाम है पवन कुमार शेरावत जो कि सेंटर के पोजीशन में खेलेंगे और हमने पिछले मैच में देखा ही था कि वो क्या क्या कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी रेडिंग में 20 पॉइंट लिए थे जिनमें से दो उन्होंने सुपर रेड लगाई थी और एक 4 पॉइंट रेड थी जो कि इस सीजन की सबसे बड़ी रेड है। और गाइस जो वो कर सकते हैं गाइज वैसा मुझे और कोई बेंगलुरु बुल्स का प्लेयर नहीं लगता है। यहाँ पे रोहित कुमार को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अगर उनके हम रेडिंग स्किल्स देखें तो गाइज पवन कुमार शेरावत की यहाँ पे एंट्री हुई है। इसी के साथ अगर हम बात करें आशीष कुमार सांगवान की तो गाइज वो वहाँ पे हमें राइट कवर पे खेलते देखेंगे, महेंद्र सिंह हमें खेलते देखेंगे लेफ्ट कवर पे, रोहित कुमार हमें राइट इन पे खेलते देखेंगे और काशी लिंगाड़े के यहाँ पे हमें लेफ्ट इन पे खेलते देखेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें राइट कॉर्नर की तो वहाँ पे हमें देखेंगे जसमेर गुलिया, और अगर बात करें हम लेफ्ट कॉर्नर की तो वहाँ पे हमें खेलते दिखेंगे जवाहर विवेक के। सो गाइज अगर हम बात करें इन दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, सो गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले तमिल सलाइवर्स की बात करें तो तमिल सलाइवर्स के जो दोनों कॉर्नर हैं अमित हुड्डा और मंजीत चिलर वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी, अगर हम इनके एज़ कम्पेयर देखें बेंगलुरु बुल्स के जो कॉर्नर हैं जसमेर गुलिया और जवाहर विवेक, सो गाइज वो इतने मतलब अनुभवी भी नहीं है और वो इतने पुराने खिलाड़ी भी नहीं है। सो गाइस इतना उनको अनुभव नहीं है कॉर्नर्स खेलने का। सो गाइस यहाँ पे हमें बेंगलुरु बुल्स का कॉर्नर थोड़ा वीक दिख रहा है और यहाँ पे हमें तमिल सलाइवर्स का जो कॉर्नर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो गाइस कॉर्नर के मामले में मैं तमिल सलाइवर्स की साइड लूँगा। और यहीं पर अगर हम बात करें कवर की, सो गाइस राइट कवर और लेफ्ट कवर जो कि तमिल सलाइवर्स का दर्शन जे और सी अरुण है, वहीं पर अगर हम देखें बेंगलुरु बुल्स के महेंद्र सिंह और आशीष कुमार सांगवान को, सो गाइस कवर की पोजीशन में मैं साइड लूँगा बेंगलुरु बुल्स की क्योंकि आशीष कुमार सांगवान और महेंद्र सिंह का बहुत ही अच्छा फॉर्म चल रहा है और गाइस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वो दिखा रहे हैं और गाइस उनको ज़्यादा अनुभव भी है सी अरुण और दर्शन जे से ज़्यादा। अगर गाइस यहाँ पर मैं बात करूँ रेडिंग साइड में तो गाइज रेडिंग साइड में मुझे मुकाबला बराबर लग रहा है, बट गाइज यहाँ पे अगर पिछले मैच की तरह पवन कुमार शेरावत भी इस बार चल जाएं तो गाइज मैं साइड लूंगा पूरी की पूरी बेंगलुरु बुल्स की। गाइज पिछले मैच में जिस हिसाब का उन्होंने प्रदर्शन दिखाया था उस हिसाब से गाइज अगर इस मैच में भी हुआ तो गाइज तमिल सलाइवर्स का डिफेंस उन्हें बिल्कुल नहीं रोक पाएगा अगर वो उस फॉर्म में हुए तो, बट गाइज इंजरी के बाद हर प्लेयर की फॉर्म थोड़ी मतलब वीक हो जाती है, बट गाइज अगर उनकी फॉर्म उस हिसाब की रही तो गाइज मैं पूरा सपोर्ट करूंगा बेंगलुरु बुल्स को। और अगर पवन शेरावत के साथ चल जाए रोहित कुमार, सो गाइज फिर तो बेंगलुरु बुल्स इस मैच को 100% जीतेगी ऐसा मेरा कहना है। बट गाइज यहाँ पे तमिल सलाइवर्स का डिफेंस बेंगलुरु बुल्स के पवन शेरावत और रोहित कुमार को रोकने में सफल रहा तो गाइज यहाँ पे मैच पलट भी सकता है। बट रेडिंग साइड में अभी तो मैं बेंगलुरु को साइड ही हूँ पवन शेरावत और रोहित कुमार की वजह से, बट गाइज यहाँ पे हमें सबसे बड़ा नाम देखने मिलता है तमिल सलाइवर्स में अजय ठाकुर का जिनकी फॉर्म चलनी बहुत जरूरी है। पिछले मैच में लास्ट मैच जो बंगाल के खिलाफ खेलता है उसमें उनकी बिल्कुल अच्छी फॉर्म नहीं चली थी जिसकी वजह से वो ये मैच हार गए थे, बट गाइज सुकेश हेगड़े इस मैच में सेंटर पोजीशन में खेल रहे हैं और हमें सुकेश हेगड़े जी रोहित इनकी अजय ठाकुर की टीम को बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी कि वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें। बट गाइज यहाँ पे अजय ठाकुर और जसवीर सिंह की अगर जोड़ी चल जाती है और उन्हें सपोर्ट रेडर के तौर पर सुकेश हेगड़े अगर सपोर्ट दे देते हैं अच्छा और अगर डिफेंस अच्छा चल जाता है तो यहाँ पे तमिल सलाइवर्स ये मैच जीत सकती है, वरना मैं ज़्यादा साइड बेंगलुरु की लूँगा क्योंकि बेंगलुरु का डिफेंस और रेडिंग दोनों ही अच्छी चल रही है। मैच हाईलाइट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।